हेलो दोस्तों, आज हम गुण संधि को डिस्कस कर रहे हैं। समझेंगे अदेंग गुण है और आद गुण है, सूत्र का इसमें प्रयोग होता है। अदेंग गुण है जो है वो गुण संज्ञा करता है। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अदेंग गुण है। आद गुण है ये जो ये क्रियाएं होती है ये सूत्र करता है। आगे जो भी क्रिया होंगी गुण के अंदर, संधि के अंदर, वो सब कौन सा सूत्र करेगा, आद गुण है। चलिए इसको समझ लेते हैं। गुण संधि है क्या? अ या आ के बाद ई या बड़ा ई हो तो ए होता है उसको, उ या उ हो तो ओ हो जाता है, री और बड़ा री होगा तो अर हो जाएगा, ली होगा तो ल हो जाएगा, अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा? किसी को कोई दिक्कत? उदाहरण के माध्यम से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। हमने बोला कि अ या आ के बाद अगर ई और ई होता है तो इन दोनों को, अ और ई को ए होगा। क्या होगा? ए होगा। उदाहरण के माध्यम से समझे तो उप जमा इंद्र, क्या शब्द है? उप जमा इंद्र। यहां पर अ के अंदर और आगे ई दिया हुआ है, इन दोनों को क्या होगा, ए हो जाएगा। तो क्या बनेगा? उपेंद्र। क्या बनेगा? उपेंद्र। समझ में आ गया यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, हित जमा उपदेश। क्या है शब्द? हित जमा उपदेश। इसमें अह यहां पर उ है, इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा? ओ। क्या बन जाएगा दोस्तों? ओ। तो शब्द क्या बना हमारे पास? हितोपदेश। क्या बनेगा? हितोपदेश। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखिए, देव जमा ऋषि। यहां पर हमारे को अ मिल गया व के अंदर और आगे क्या है? ऋषि। हमने ऊपर क्या पढ़ा था? अ के बाद अगर ली होगा तो क्या होगा उसको? अर हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? देवर्षि। क्या बन जाएगा? देवर्षि। क्लियर है ये? वेरी गुड। नेक्स्ट है, तव जमाल री कारह। सेम यहां पर भी क्या पढ़ा था हमने? री के बाद अगर अ के बाद री होगा तो उसको अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल। तो यहां पर क्या बन गया? तव लकारह। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर ये गुण संधि आपको समझ में आ गई है दोस्तों, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इनको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सुर जमा ईशह, तथा जमा इति, गंगा जमा उदकम, महा जमा ऋषि, पीनह जमा उरु। तो इनका एग्जाम्पल इनको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी आप संधि सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। डेली हम संधि अभी हम लेकर चल रहे हैं, इस तरह से कारक भी हमें पढ़ने हैं, समास भी हमें पढ़ने हैं, छंद व्याकरण का पूरा ज्ञान हम सोच रहे हैं इसी तरह से आपको दिया जाए। तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।